नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज हम करेंगे वैदिक एज की इंट्रोडक्शन। वैदिक एज हमने ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक एज, वैदिक का वैदिक एज फिफ्टीन हंड्रेड BCE टू 600 BCE, 1500 BCE से 600 BCE तक वैदिक एज। आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वैदिक एज की इंट्रोडक्शन परिचय। वैदिक एज की परिचय। भारत की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन बिगन टू डिक्लाइन बाय अराउंड 1900 BC 1900 ईसा पूर्व में पतन होना शुरू हुआ हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सिविलाइजेशन began to decline by around 1900 BC 1900 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो लगभग 1750 ईसा पूर्व तक जारी रहा। 1750 तक जारी रहा। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि हड़प्पा शहरों के साथ साथ उनकी पतन इसके अंत तक यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व तक हुई। केवल उसी समय के आसपास पुरातात्विक साक्ष्य इंडो यूरोपियन केवल उसी समय के आसपास पुरातात्विक साक्ष्य इंडो ईरानी क्षेत्र से उत्तर पश्चिम भारत यानी हड़प्पा क्षेत्र के बाहरी इलाके में आर्य या इंडो आर्यन के आगमन का संकेत देते हैं। आर्य के आगमन के पूर्व और अर्ध ऐतिहासिक आर्य के आगमन से पूर्व और अर्ध ऐतिहासिक काल का अंत हुआ और इस तरह प्राचीन भारत का इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान निर्मित विशाल साहित्य हमें आर्य की भौगोलिक सीमा, समय रेखा, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। ये विशाल साहित्य जिसे वैदिक साहित्य कहा जाता है, इंडो आर्यन द्वारा लिखा गया था और इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास में इस अवधि को वैदिक काल कहा जाता है। अब हम देखेंगे वैदिक एज की टाइमलाइन एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट। टाइमलाइन एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट। वैदिक एज की समय रेखा और भौगोलिक विस्तार। टाइमलाइन एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ वैदिक एज। इतिहासकारों ने वैदिक काल को 1500 BCE से 600 BCE ईसा पूर्व का दो भागों में विभाजित किया है। हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड वैदिक एज फिफ्टीन 100 BCE to 600 BCE
इंटू टू पार्ट, अलिबैदिक पीरियड, अलिबैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक पीरियड। फिफ्टीन हंड्रेड बी सी ई टू 1000 बी सी ई एंड लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड 1000 बी सी ई टू 600 बी सी ई। ओके, historian have divided Vedic age 1500 to 600 BC into two part, that is early Vedic period or Rig Vedic period, early Vedic or Rig Vedic and later Vedic. Early Vedic period 1500 BCE to 1000 BCE and later Vedic period 1000 BCE to 600 BCE. इतिहासकारों ने वैदिक काल को 1500 BCE से 600 BCE तक भागों में दो भागों में विभाजित किया है, वो है प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज़ वीडियो, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल एंड बाय, सी यू सून।